पतली और मोटी बहू की पहली रसोई। What would you like to eat, ma'am? आप एक प्लेट मलाई कोफ्ता, पालक पनीर, एक मटर पुलाव, 10 बटर नान, 6 आलू के पराठे और मीठे में अब गुलाब जामुन और 4 चॉकलेट आइसक्रीम ले आना। स्नेहलता, तुमने इतना सब कुछ क्यों ऑर्डर कर दिया? हम 2 लोग हैं, ना कि 10 जो इतना सब कुछ खाएंगे। मधु, तुम तो जानती हो ना कि मुझे खाना खाना कितना ज्यादा पसंद है। ये सब तो बस मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है, तुम अपने लिए कुछ और ऑर्डर कर लो। 10 आदमी का खाना तुम अकेले खाओगी? मधु, तुम मेरी बहन हो या मेरी माँ जो जब देखो तब मुझे लेक्चर देती रहती हो? कम से कम तुम तो मुझे समझ सकती हो ना। थोड़ी देर में ऑर्डर किया खाना भी आ जाता है। स्नेहलता देखते ही देखते सिर्फ 25 मिनट के अंदर ही सारा का सारा खाना अकेले खा जाती है। मधु के साथ साथ रेस्टोरेंट में बैठे बाकी लोग भी स्नेहलता को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर दोनों बहनें घर आ जाती हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों कहाँ गए थे? कहाँ गए होंगे ये दोनों, जरूर कुछ न कुछ खाने के लिए ही गए होंगे। अरे खुद तो खा खा कर भैंस हो गई है, अब क्या अपनी बहन को भी खुद की तरह भैंस कर देगी? अरे नहीं चाची, वो हमें कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान चाहिए था ना, वो लेने गए थे। मधु, अब तू इसकी गलती को छुपा मत, हम तो समझा समझा कर थक गए हैं, ना जाने कब इसका खाना छूटेगा। अगर ऐसे ही रहा तो कौन करेगा इससे शादी? अरे मधु से कुछ सीख, उसका फिगर देख, अपने आप को कितना मेंटेन रखती है, और एक तू है, न जाने कहां कहां से फैली हुई है। अरे भाभी बस भी करो, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। भाभी, आप क्यों स्नेहलता पर इतना गुस्सा करती हैं? आप देखना, उसकी शादी जरूर होगी, मुझे इसी बारे में आपसे बात करनी थी। इनके बिजनेस पार्टनर है ना विवेक ओबेरॉय, उनके 2 बेटे हैं। उनके छोटे बेटे संजय के लिए रूबीना का रिश्ता आया है और बड़े बेटे अंबर के लिए स्नेहलता का, और उन्हें तो स्नेहलता के मोटापे से कोई परेशानी नहीं है। तुम सच कह रही हो रूबीना, माता रानी तूने मेरी सुन ली। अपनी मोटी बेटी का रिश्ता तय हो जाने की वजह से आरती बहुत खुश होती है। ऐसे ही समय गुजरता है और दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में होती है। दोनों बहुएं एक साथ घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करती हैं, तो स्नेहलता के मोटापा की वजह से दोनों को ही घर के अंदर आने में दिक्कत होती है, और इसी के चलते स्नेहलता सीधा गिर जाती है। आह, मेरा पैर। स्नेहलता, तुम ठीक तो हो ना? अरे नम्रता, क्या खड़े खड़े देख रही है, अपनी भाभी को उठने में मदद कर। माँ, मदद इंसानों की जाती है, ना कि बुलडोजर की। पता चले ने उठाते उठाते मैं ही उठ गई। वैसे माला, तेरी बेटी ने कहीं तो बड़े पते की बात है। एक बहू तो तूने इतनी स्लिम ट्रिम 0 फिगर वाली लेकर आई है, और दूसरी बहू की जगह तो तू इस पतीले को उठाकर ले आई। मैं तो कह रही हूँ कि अपने घर के सोफा कुर्सी और बेड थोड़ा मजबूत बनवा ले। पता चला तेरी बहू के मोटापे की वजह से घर के सारे सोफे कुर्सी और बेड टूट गए। बस करो तुम दोनों, भले ही मेरी बहू मोटी है लेकिन जैसी भी है मुझे प्यारी है, तो तुम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे तुम दोनों? माला की बात सुन आशा सविता का मुंह बन जाता है और वो दोनों वहां से चली जाती हैं। अपने मोटापे का ऐसा मजाक उड़ाता देख स्नेहलता को बुरा तो लगता है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है और कल इन दोनों की पहली रसोई होती है। बहू, आज तुम दोनों की पहली रसोई है, तुम दोनों मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, दम आलू चावल और पूड़ियां बना लेना, साथ ही साथ मीठे में खीर भी बना लेना। आज तुम्हारी पहली रसोई का खाना खाने के लिए कुछ मेहमान भी आने वाले हैं। जी माँ जी। दोनों बहुएं खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। जहाँ मधु मेहनत करके सभी के लिए खाना बनाती है, वहीं स्नेहलता के मन में खाने को देखकर लालच जाग जाता है। यार ये मलाई कोफ्ता तो देखने में बड़ा ही टेस्टी लग रहा है, और ये दम आलू तो देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आप तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। स्नेहलता देखते ही देखते बनाया हुआ सारा का सारा खाना खा जाती है। स्नेहलता यही नहीं रुकती, मधु के खाना बनाने के बाद मधु के किचन से जाते ही वो मधु का भी बनाया हुआ भी सारा का सारा खाना खा जाती है। आज तो नाश्ता करने में मजा ही आ गया, अब तो मेरा सोने का मन कर रहा है। स्नेहलता, खाना बन गया, बाहर मेहमान कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं। माँ जी वो ये बर्तनों में से खाना कहाँ गया, मैं तो अभी बनाकर रख कर गई थी। माँ जी वो मुझे भूख लगी थी ना, तो मैंने सारा खाना खा लिया। क्या बहू, तूने 20 लोगों का खाना अकेले खा लिया?
ये तो क्या कह रही है? अरे बाहर मेहमान बैठे हैं, अब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? तेरी वजह से तो मेरी आज मेहमानों के सामने नाक ही कट जाएगी। माँ, अब चिल्लाने का क्या फायदा? अगर दूध की रखवाली बिल्ली को करने के लिए दोगी तो बिल्ली तो सारा का सारा दूध पी जाएगी ना। नम्रता, माँ जी आप दोनों गुस्सा मत करिए, बस मुझे थोड़ी देर दे दीजिए, मैं दोबारा सारा खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। बेचारी स्नेहलता दोबारा से खाना बनाने की तैयारी करती है और आधे घंटे के अंदर सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है, जिससे माला की अपने मेहमानों के सामने नाक कटने से बच जाती है। स्नेहलता के इतने खाने की वजह से अब उसके ससुराल वाले भी उसे परेशान होने लगे। अरे बहू बस भी कर, 9 बजे से तू नाश्ता कर रही है, 11 बज चुके हैं, और कितना खाएगी? 8 आलू के पराठे तो पहले ही खा चुकी है। तेरा बस चले तो तू हम लोगों को भी खा जाए और डकार भी ना मारे। अरे क्या माँ, आप भी किस मोटी बुद्धि को समझा रही हो? इनकी पेट में जितनी चर्बी नहीं है उससे कहीं ज्यादा चर्बी तो इनके दिमाग में है। इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये सब छोड़िए और ये देखिए, ममता मासी की बेटी की एंगेजमेंट है, उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है। माँ मैं सोच रही थी कि इस बार मैं और मधु भाभी एंगेजमेंट में कुछ वेस्टर्न पहने। हाँ बेटा क्यों नहीं, एक काम करो, तुम मधु को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाओ, तुम दोनों पर वेस्टर्न ड्रेस काफी ज्यादा सुंदर लगेगी। माँ जी मैं भी वेस्टर्न ड्रेस पहनना चाहती हूँ। क्या कहा, आप और वेस्टर्न ड्रेस पहनेंगी? आपने कभी अपना शरीर देखा है? किसी गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। वेस्टर्न ड्रेस हम जैसे स्लिम ट्रिम लोग पर अच्छी लगती है, ना कि आप जैसे कद्दू लोगों पर। मैंने कहा ना कि मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनूंगी तो वेस्टर्न ड्रेस ही पहनूंगी। सबके लाख समझाने पर भी स्नेहलता नहीं मानती और एंगेजमेंट में वेस्टर्न ड्रेस पहनकर चली जाती है। एंगेजमेंट में जाते ही स्नेहलता सबसे पहले खाने की तरफ भागती है और सभी को नजरअंदाज करते हुए खाने लगती है, जिसके चलते उसका पेट फूलता है और उसकी ड्रेस भी फट जाती है, और इसी के चलते वो ब्राइड और ग्रूम का केक तक खा लेती है। अब क्या बर्तनों को खाकर मानोगी? एक तो सारा का सारा खाना खा गई, ऊपर से इसने केक तक नहीं छोड़ा। माला ये तुम्हारी बहू है या कोई खब्बीस? मैंने तो पहले ही कहा था कि इन्हें एंगेजमेंट में मत लेकर आओ, लेकिन मेरी किसी ने नहीं मानी। अब हो गई ना सबके सामने हमारी बेइज्जती। बस भी करो आप लोग, कितने ताने दोगे बेचारी को? अरे उसे खाने की आदत है और कोई आदत इतनी जल्दी नहीं छूटती है, लेकिन आप सब हो कि बस उसे ताने पर ताने देते जा रहे हो। कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। स्नेहलता मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, अब देखो कैसे सभी लोग तुम्हारा कैसा कैसा मजाक बना रहे हैं। अगर तुम अभी भी नहीं रुकी ना तो इसका बहुत बुरा असर होगा तुम्हारी सेहत पर। मधु तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, शायद अब मुझे अपनी ये ज्यादा खाने की आदत छोड़नी होगी। आप सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। स्नेहलता के माफी मांगने पर सब लोग स्नेहलता को माफ कर देते हैं, लेकिन कहते हैं ना कोई भी आदत इतनी जल्दी और आसानी से नहीं छूटती है। स्नेहलता सबके सामने तो कम खाना खाती, लेकिन किसी के ना होने का फायदा उठाकर स्नेहलता पहले की तरह ही ठूसती रहती, जिससे दिन पर दिन स्नेहलता का वेट बढ़ता ही जा रहा था, और अब स्नेहलता इतनी मोटी हो जाती है कि उससे चला भी नहीं जाता। इनका वेट तो 220 किलो है, इन्हें शुगर और थायराइड है, अगर इनका वेट ऐसे ही बढ़ता रहा तो इन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। लेकिन डॉक्टर अचानक इतना वेट कैसे बढ़ गया? स्नेहलता तो अब पहले की तरह खाती भी नहीं है। मधु मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी छुप छुप कर खाने की आदत की वजह से हुआ है। मैं आप सबके सामने तो कम ही खाना खाती थी, लेकिन पीठ पीछे मैं पहले की तरह ही खाना खाती थी। तुम्हारी बात मान लेती तो आज मुझे इतनी सारी बीमारियां नहीं होती। मुझे मेरी गलती पर बहुत पछतावा है। स्नेहलता रोने से कोई फायदा नहीं है, जो होना था सो हो गया, लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। अगर तुम चाहो तो हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से अपना वेट कम कर सकती हो, और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अपनी बहन के साथ की वजह से स्नेहलता अब एक हेल्दी और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती है और रोज एक्सरसाइज करती है, जिससे 4 महीनों की लगातार मेहनत के बाद अब स्नेहलता का वेट कम हो जाता है। लेकिन शुगर और थायराइड की बीमारी स्नेहलता से दूर नहीं हो पाती, जिससे स्नेहलता को उसके जीवन का सबसे अच्छा सबक मिलता है कि कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती है।